19 जून 2023 यह कोरबा जिले के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाने वाला दिन था, जिसने न जाने कितनों को गहरे सदमे में डाल दिया। मगर एक ताकत उस दिन ऐसी भी थी जिसने इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल देकर हमारे कोरबा जिले का नाम एक बार और रोशन कर दिया। हनुमत इंफ्राटेक और फोर सीजन द रेस्टोरेंट की सहानुभूति उन परिवारों के साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रिंस जैन की, जो इस वक्त श्वेता नर्सिंग होम पावर हाउस रोड कोरबा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आग से जले हुए लोगों की चीखों को प्रिंस जैन जी ने संभाला था। इंसानियत का परिचय देते हुए उन्होंने किसी भी मरीज से जो इस हादसे की घटना में झुलस गए थे, उनका निशुल्क इलाज आदरणीय डॉक्टर प्रिंस जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आकांक्षा जैन और पूरी श्वेता नर्सिंग होम की टीम ने निशुल्क तौर पर किया था। आज 1 जुलाई को हम सब डॉक्टर्स डे श्वेता नर्सिंग होम पावर हाउस रोड कोरबा के सम्मान में यह दिन मना रहे हैं। एक झलक डॉक्टर प्रिंस जैन की क्या कहते हैं वह उस दिन को याद करते हुए। हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क इलाज किया गया है सारे पेशेंट्स का, तो क्या आपके माइंडसेट में रहा सर, उसके बारे में जानना चाहूँगा। माइंडसेट में तो बस ये था कि हमको अपना एक अपने कोरबा का लोकल होने के नाते, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, कोरबा के लोगों का जो नुकसान हुआ है, इतने व्यापारियों का नुकसान हुआ है, लोगों की जान भी गई है, तो अपने कोरबा वासी होने का नाते हमारे कोरबा के जो लोग हैं उन लोग को हम लोग जो भी अपनी तरफ से सुविधा दे सकते थे वो हमने दी है, चाहे वो इलाज के तौर में हो, चाहे सहानुभूति के तौर पे हो, चाहे काउंसलिंग के लिए हो, तो जो भी हमसे बन पड़ा इस दिन जो दुर्घटना को देखते हुए वो हमने करने की कोशिश करी। और उम्मीद करता हूँ कि जो जिनकी भी हमने मदद करी है वो अब बेटर हैं, और भी लोगों की मदद करेंगे और ऐसे ही हम एक अच्छे समाज को डेवलप कर पाएंगे।